आप तमाम देशवासियों, बिहार वासियों, शहर वासियों और हमारी वार्ड नंबर 40 के तमाम जनताओं को नए साल की बधाई। बधाई को देते हुए आज हमारे देश में ओमिक्रॉन और कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है, इसमें हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। हम बचेंगे तो देश बचेगा और हमारे खासकर नौजवान बच्चों को आप नए साल से मनाने से परहेज रखें और घर में मनाएं तो ज्यादा बेहतर है। साल तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से ये महामारी की रोग है, ये समझिए कि बहुत भयंकर एक भयावह रूप लेके चले जा रहे हैं और प्रशासन ने भी आगाह किया है कि हम लोग को सावधानी बरतने की जरूरत है। साथियों, जो देश में जिस तरह से हम लोग पिछले साल 22 से लेकर के 21 तक हम लोग जिस परेशानी से गुजर रहे हैं और आने वाला साल भी इसी आहट, इसी सुरमुराहट की आवाज दे रहा है कि हम लोग को सावधानी के साथ रहना है। इसी के साथ आप घर में ही रहें और नया साल मनाएं, बाहर जाने की कोशिश ना करें। इसी में हम बचेंगे तो देश बचेगा और देश बचेगा तो हम लोग भी। खुशी मनाने का कोई समय नहीं होता है, जब चाहे तब खुशी मना सकते हैं। ये नहीं कि आज ये साल चला जा रहा है, वो साल आ रहा है, तो उसमें हम खुशी मनाने के लिए भीड़ भाड़ से बचें और घर से जब भी निकले मास्क पहन कर जरूर निकले। इसी में समझदारी ही बचाव है। RJD अमीर हसन, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव।